हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन बीन्स की मसालेदार सब्जी। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है। तो इस सब्जी को मैंने कैसे बनाया है, किन किन चीज़ों का यूज़ किया है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कढ़ाई रख दिया है मैंने गरम होने के लिए, फ्लेम लो रखेंगे। ऐड करेंगे इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल के गरम होने का वेट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया हुआ है बीन्स, बीन्स का टॉप और बॉटम कट कर दिया है वॉश करके, और फिर ना कुछ इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। आप छोटा बड़ा जैसा चाहो बीन्स को वैसा कट कर सकते हो। बीन्स को हमें डीप फ्राई करना है, इससे बीन्स के अंदर के जो जूस होते हैं ना वो हल्का सा निकल जाता है, बीन्स पक जाती है, जिससे कि सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम कैप लगा करके पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम लो रखेंगे, 4 से 5 मिनट में पक जाएगा। तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने एक छोटा सा ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पेस्ट था, इसलिए मैंने पेस्ट का यूज़ किया है। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें अब हम ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 चक्रफूल ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 टुकड़ा हम लेंगे यहाँ पर जायफल का। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी इलायची और आधी बड़ी इलायची। 3 लौंग मैंने ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो मैंने 2 हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में कट करके ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, कैफ लगा करके मसाले को एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे बढ़िया से ग्राइंड करके। दूसरी तरफ मैंने लिया हुआ है टमाटर, टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके और इसे भी ग्राइंड करके पेस्ट बना के रेडी करेंगे। अब हम वापस चलेंगे ग्रीन बीन्स की तरफ, जो हमने डीप फ्राई होने के लिए रखा था। 5 मिनट हो गए हैं, कैप उठाएंगे, बीन्स को हम मिक्स करेंगे। क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गई है, कलर चेंज हो गया है और हल्की सी पक भी गई है, तो इससे ज़्यादा अब हम ग्रीन बीन्स को पकाएंगे नहीं। इसे अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। आप कोई भी झारा या कलछी से निकाल लीजिए, ताकि जो ऑयल है ना वो ग्रीन बीन्स के साथ ना आए। वापस उसी कढ़ाई को लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा और रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है ना उसमें पहले से था। ऑयल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, क्रैश होने का वेट करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक चॉप करके प्याज। इससे पहले हमने काफ़ी सारी प्याज जो है ना मसाले के साथ ग्राइंड किया है, तो ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत अब हमें नहीं है। मिक्स करते हुए थोड़ी देर तक पका लेंगे। जैसे ही प्याज जो है ना हल्की से ट्रांसपेरेंट होगी और कलर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर हम फ्लेम लो करेंगे। ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसमें झाल बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया जाता है। मसाले को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर तक पका लेंगे। जैसे ही मसाले से सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने ग्राइंड करके लिया हुआ था। सारे खड़े मसाले हमने ग्राइंड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी गरम मसाले का यूज नहीं किया है। मसाले को मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। पकाते समय आप फ्लेम जो है मीडियम और लो के बीच में रख सकते हो, या फिर आप मीडियम रख सकते हो। लगभग 4 मिनट हो गए हैं मुझे मसाले को पकाते हुए, मसाला हमारा पक गया है, बहुत बढ़िया सा कलर दिख रहा है। ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट, पेस्ट को भी हम मिक्स करेंगे, और अब हम ना कैफ लगा करके मसाले को पकाएंगे, ताकि हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ेगा। और जब कैफ लगा के हम मसाले को पकाते हैं ना, तो उसकी खुशबू ज़्यादा बाहर नहीं जाती है, अंदर रहती है कढ़ाई के, इससे सब्जी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए कैप ढक करके रखा हुआ था,
5 मिनट हो चुके हैं, कैप उठाएंगे और ना मिक्स करेंगे मसाले को। अब हम मिक्स करेंगे। जब हमने मसाले को ढक दिया था ना, तो एक दोबारा आप चेक कर लीजिएगा और मसाले को मिक्स कर दीजिएगा। अब हम उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच दूध की मलाई। मलाई डालने से सब्जी का स्वाद हल्का सा क्रीमी सा आ जाएगा और फ्लेवर स्ट्रांग नहीं रहता है, सॉफ्ट फ्लेवर रहता है। कलर भी ग्रेवी का बहुत बढ़िया आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर दूध की मलाई का यूज़ किया है। आप क्रीम का यूज़ कर सकते हो या फिर आप बिना इसके भी बना सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन बीन्स। सभी चीज़ों को वापस फिर से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ किया है। आपको सब्जी में जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी का यूज़ करिएगा। मिक्स कर देंगे। हमारी बीन्स इससे पहले पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करिएगा। एक बार फिर से मिक्स कर देंगे और अब हम कैप लगा करके फ्लेम मीडियम रखेंगे और सब्जी को 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि सब्जी हमारी अच्छे से पक करके तैयार नहीं हो जाती है तब तक। मैंने यहाँ पर 4 मिनट बाद कैप उठाया है। बहुत ही प्यारा सा सब्जी का कलर दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया से सब्जी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। मुझे इतना ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं अब जो है फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ। फ्रेशनेस के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया को भी मिक्स कर देंगे, इसे बहुत ही बढ़िया ना फ्रेश फ्रेश फ्लेवर आ जाता है। तो अब सब्जी हमारी फाइनली एकदम रेडी है। इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गाइस, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस बात की ज़रूर पुष्टि कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, इसमें कौन सी चीज़ें आपको कम लगी, कौन सी ज़्यादा लगी, या फिर आपके मन में जो भी विचार हो वो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय गाइज़।